अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन कहता है, यदि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हमें साइन थीटा का मूल्य ज्ञात करना है, अर्थात हमें साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमें दिया है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2, और हमें साइन थीटा का मान निकालना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ साइन थीटा है और यहाँ कॉस थीटा है, तो हम क्या करेंगे, या तो इन्हें कॉस के ही रूप में बदल देंगे या फिर साइन के रूप में बदल देते हैं। तो चूंकि हमें साइन थीटा का मान निकालना है, इसीलिए हम इसे साइन थीटा के रूप में लाएंगे। तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो हम कॉस थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। अब 5 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें मिलेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 प्लस में है 1, जब हम इसे आर एच एस ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, और यहाँ 4 है तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 माइनस 1, 1 मिलेगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। अब जब हम इधर से स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर रूट हो जाएगा, अर्थात 1/4, तो मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू 1 का रूट 1 होगा और 4 का रूट 2। तो हमें साइन थीटा का मान मिला 1/2, और चूंकि हम रूट से कोई भी संख्या को बाहर लिखते हैं तो वो प्लस और माइनस होता है, और हमें साइन थीटा का ही मान चाहिए था, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन कहता है, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तो हमें टेन थीटा का मान चाहिए। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। यहाँ भी हम देख रहे हैं यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है, तो या तो हम इसे साइन के रूप में लिख लेंगे या कॉस के रूप में लिखेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। तो यदि हम इसे साइन के रूप में लिखना चाहें तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो अब हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो प्लस, और जब 3 से 1 में गुना करेंगे तो मिलेगा 3, प्लस और माइनस माइनस, और जब 3 से साइन स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब 7 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो मिलेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, जब हम 3 को आरएचएस ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि अभी यहाँ प्लस में है, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। अब हम इधर से जब रूट खत्म करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू रूट 1/4 हो जाएगा, और हम जानते हैं रूट से कोई भी संख्या जब बाहर आता है तो प्लस माइनस होता है,
तो 1 का रूट 1 और 4 का 2, अर्थात साइन थीटा का जो हमें वैल्यू मिला वो प्लस माइनस 1 बाई 2, और हमें टेन थीटा का मान चाहिए। तो टेन थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है, और हमें साइन थीटा मिला तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। तो हमें यहां बी नहीं मालूम है, तो हम यहां बी का मान निकालेंगे। तो बी इक्वल टू होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो एच का मान है 2, 2 का स्क्वायर माइनस पी का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, अर्थात रूट 3 मिलेगा। तो अब हम ये p और b का मान यहां से रखेंगे, तो p का मान 1 और b का मान रूट 3, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। यदि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 5, तो हमें tan थीटा का मान चाहिए। तो हमें दिया है 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 5। इस समीकरण को हम लिख सकते हैं 4 cos थीटा इक्वल टू 5। अभी 3 sin थीटा LHS में प्लस में है, जब ये RHS जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 3 sin थीटा। अब हम यहां दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर भी वर्ग कर दिए और हम इधर भी वर्ग कर दिए, तो अब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। यदि ये पूरा a तो ये b हो जाएगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a का मान 5 इंटू b का मान 3 साइन थीटा। अब हम इसे यह 16 हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 10, ये हो जाएगा 30 साइन। अब हम यहाँ गुना कर लेते हैं, तब 16 से 1 में गुना करेंगे तो 16 माइनस 16 से साइन स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो 16 साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा बराबर 25 जोड़ 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, सभी को एक तरफ ले जाएंगे, तो माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा, अभी यहां प्लस में है, जब इसे LHS में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां माइनस में है ये प्लस 30 साइन थीटा हो जाएगा बराबर 25। तो 25 और यहां अभी ये प्लस में है, जब हम आर एच एस जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, अब माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा, तो 16 और 9 माइनस में 25 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ 30 साइन थीटा बराबर 25 से 16 घटा लेंगे तो मिलेगा 9। अब हम इसे माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा, अभी यहाँ प्लस में है, जब इसे LHS लाएंगे तो ये माइनस 9 साइन 9 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो मिलेगा 25 साइन स्क्वायर थीटा,
और जब प्लस से माइनस कॉमन करनी है तो ये माइनस 30 साइन थीटा, और माइनस से माइनस कॉमन करनी तो हो जाएगा ये प्लस 9 बराबर 0, अर्थात 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हम यहां देख रहे हैं ये हमें द्विघात बहुपद के रूप में मिल गया, तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा का गुणांक यहाँ 25 है और यहाँ ये अंतिम पद 9 है, तो 25 में हम 9 से गुणा करेंगे। तो जब हम 25 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 पच्चे 45, 4 9 18, 4 22, 225 मिलेगा। अब हम 225 का गुणनखंड करते हैं 5 से, 5 चौका 20, 50 25, फिर 5 से तो ये 9 पच्चे 45, 3 दिया है 9, और हमें माइनस में 30 लाना है। तो हम क्या करें, 5 दिया 15 और ये 5 दिया 15, अर्थात 15 में 15 जोड़ेंगे तो हमें 30 मिलेगा, लेकिन यहाँ हमें माइनस में 30 लाना है, तो माइनस 15 माइनस 15 अर्थात माइनस 30 हो जाएगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 15 साइन थीटा माइनस 15 साइन थीटा जोड़ 9। अब हम इन दोनों पदों को एक साथ और इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे, यहाँ बराबर में 0 होगा। अब हम जानते हैं 5 गुना 5 25, 3 गुना 5 15, 3 पचे 15 और 3 तिहाई 9। तो अब हम यहाँ कॉमन करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो कॉमन कर लेते हैं 5 साइन थीटा कॉस, एक 5 बच जाएगा तो 5, अच्छा साइन स्क्वायर से साइन कॉमन किए तो एक साइन भी बचेगा माइनस, जब 5 कॉमन किए तो मिलेगा 3, और साइन तो पहले ही कॉमन कर लिए हैं माइनस, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो 3 कॉमन हो जाएगा तो मिलेगा 5 साइन थीटा, और जब प्लस से माइनस कॉमन किए तो माइनस, और एक 3 बचेगा इक्वल टू 0। अब इसे और इसे हम यहाँ लिख लेते हैं 5 साइन थीटा माइनस 3 और 5 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे 5 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो 5 साइन थीटा इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5, हमें साइन थीटा का मान मिल गया 3/5। अब चूंकि हमें चाहिए टेन थीटा का मान, तो जानते हैं हम साइन थीटा बराबर P/H होता है, तो हम साइन थीटा से B का मान निकाल लेंगे, तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो H का मान 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस P का मान 3, तो 3 का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का 9, यह मिलेगा 16, और इसका रूट हो जाएगा प्लस माइनस 4। तो चूंकि हमें tan थीटा का मान चाहिए, तो tan थीटा बराबर P/B होता है, तो P का मान है 3 और B का मान 4, अर्थात ये प्लस माइनस, ये हमारा आंसर हो गया।